गुजरात के बड़ौदा स्टेशन पे। ये सिर्फ फास्ट फूड का इसका होल्ड है जहाँ पे खाना शाम के यात्रियों के लिए खाना यहाँ पे सेट होता है। जयदेव, मैं हूं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। अभी बजे हैं सुबह के 5 और आज की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं गोवा की ओर। ठंड जाने वाली है, फरवरी और मार्च के बीच का महीना है, अब ठंड बहुत कम है। और अब जा रहा हूं मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ओला मैंने बुला ली है, तो चलिए चलते हैं। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी हम जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर, जहाँ से हमने अपनी ट्रेन पकड़नी है राजधानी गोवा के लिए। अब हम पहुंच गए हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। दक्षिण भारत को जाने वाली अधिकतर गाड़ियां हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही मिलती हैं, और अगर आप उत्तराखंड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सानिकेत एक्सप्रेस से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से ओला या उबर कैब करके आप हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच सकते हैं, क्योंकि ओला और उबर ज़्यादा सस्ता और सुलभ साधन रहता है सुबह यहाँ पे पहुँचने का। चूँकि अब फरवरी समाप्त होने को हो रहा है, ठंड बहुत कम है। हालांकि पहाड़ से आया, थोड़ा सा गर्म कपड़े मैंने अभी कैरी किए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ठंड काफ़ी कम है। और ये है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहाँ से 6:16 पर गोवा मडगांव राजधानी ट्रेन आपको मिलेगी। और यहां से हमारा सफ़र शुरू होगा 6:16 पर गोवा का, और समय समय पर मैं आपको बताते रहूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, कहां स्टे करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका अपना दगड़िया हिमालयन स्नाइपर डॉक्टर निर्मल सिंह बसेड़ा। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर निज़ामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे लग चुकी है, और यहाँ से ये डिपार्चर होगी 6:16 पे। राजधानी का A2 कोच है। क्लास 2 सीटिंग कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें ये सेकंड क्लास का केबिन है, जिसमें 4 सीटें यहाँ से रहेंगी, 2 सीटें वहाँ पे रहेंगी। कैसे दगड़ी हो आप? सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैं बना नहीं पाया कि क्या मुझे मिला था, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था और इसीलिए मैंने उसको शूट भी नहीं कर पाया था। अभी दिन के बज रहे हैं 12 और राजधानी में चूँकि टिकट में इंक्लूडेड रहता है खाना, तो खाना की क्वालिटी कैसी है मैं आपको बताता हूँ। ये खाना आ चुका है दिन का, 2 प्रकार की थाली है यहाँ पे, एक वेज और एक नॉन वेज। जो वेज थाली है ये है दाल, और इसमें भी सब्जी है, चावल है, रोटी है, दही है। और जो नॉन वेज थाली है उसमें दाल के बटे चिकन है। तो कुछ ऐसा खाना आपको यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा इस ट्रेन में, और समय समय पे अगर आप चाय अगर आप परचेज करना चाहें तो इसमें आपको चाय मिल जाती है। ठीक, देख सकते हैं पीछे ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कोटा और रतलाम के बीच के कहीं हम पहुँचे हैं। जो नेचर आप देख सकते हैं, जो झाड़ियाँ, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ, कीकर टाइप का यहाँ पे फसल है, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं दिख रहे हैं। कहीं कहीं पे लग रहा है कि पानी की बहुत कमी है खेतों में है, लेकिन खेतों में भी पता नहीं क्या बोया है। कहीं कहीं पर दिख रहा है धनिया बोया है, और
बीहड़ का इलाका है, तो उस हिसाब से वनस्पति और सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कपास की खेती की जा रही है गुजरात में, देख सकते हैं जो पीछे खेत दिख रहे हैं पूरे कपास के हैं, कपास लगी हुई है उन पे। पूरे कपास के खेत यहाँ पे चारों तरफ कपास, गुजरात में काफ़ी कपास होता है। और अभी हम लोटना में पहुँचे हैं और आधे घंटे के अंतराल में हम बड़ोदरा पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बेहतर यहाँ पे केले की खेती है, मूंगफली है, कैस्टर, अरंडी का तेल जिसे बोला जाता है उसकी खेती गुजरात में काफी बहुतायत से हो रही है। आप पीछे तक पूरा देख सकते हैं कि पूरे केले के खेत हैं, बहुत सारा केला यहाँ उत्पादित किया जाता है। देखिए छोटे छोटे खेत पूरे केले के ही हैं। हमें बड़ौदा स्टेशन पे, और बड़ौदा गुजरात का सबसे बड़ा स्टेशन है, जहाँ से मुंबई और कहते हैं पश्चिम रेलवे के लिए, साथ ही दक्षिण भारत के लिए बहुत सारी ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। तो गुजरात के बड़ौदा स्टेशन पे ये सिर्फ फास्ट फूड का होल्ड है, जहाँ पे खाना शाम के यात्रियों के लिए खाना यहाँ पे सेट होता है। मुंबई अमृतसर लगी हुई है और ये है बड़ौदा स्टेशन। सुप्रभात। तो मैं पहुंच गया हूं अभी थिविम पे। थिविम गोवा का एक रेलवे स्टेशन है जो मडगांव से पहले आता है, और यहां से जहां मुझे जाना अरपोरा, यहां से 17 किलोमीटर है। तो अभी मैं हूं थिविम में और सुबह के बज रहे हैं 6:30। थिविम रेलवे स्टेशन से मैंने अभी टैक्सी ले ली है और मैं सीधे अरपोरा की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा स्टे है। अरपोरा यहाँ से 16 किलोमीटर के आसपास है, और अब हम चलते हैं सीधे अरपोरा की ओर, जहाँ पर मेरा स्टे है। हेरिटेज एक्सोटिका में फिश मार्केट है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग फिशेज लेके आए हैं।